नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज टीवी न्यूज। दर्शकों, जनता की आवाज टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भिवंडी की कुछ खास खबरों पर। भिवंडी तालुका ग्राम पंचायत कारीवली में शासन की जगह पर हो रहे हैं अवैध तरीके से कब्जा। भिवंडी तालुका ग्राम पंचायत कार्यवली में शासन की जगह पर हो रहे अवैध तरीके से कब्जों को लेकर आजमी नगर की जनता काफी नाराज है। हम आपको बता दें कि भिवंडी तालुका ग्राम पंचायत कार्यवली आजमी नगर क्षेत्र के ठीक बगल में शासन की जगह है, जहां अवैध रूप से ग्राम पंचायत कार्यवली के सदस्य सौराब नईम शेख व रजिया नौशाद उर्फ अच्छन ने 20 से 25 अवैध तरीके से झोपड़ा बनाकर उसको भाड़े पर दिया है, जिसकी आवाज स्थानिकों ने उठाया तो वहीं सदस्य सौराब नईम शेख व रजिया नौशाद उर्फ अच्छन ने स्थानिकों को जान से मारने की धमकी दी, जहां स्थानिकों ने इसकी पूरी शिकायत भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में कराई, लेकिन पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्थानिकों का मानना है ग्राम पंचायत कार्यवली के सदस्य इस तरह की जगह पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, यह जगह शासन की है। इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए स्थानिकों ने कहा कि शासन का जमीन है, ये जमीन के ऊपर मैंने अर्जी किया था। ये गौचरण जमीन जो सर्वे नंबर 164 है, ये सर्वे नंबर 164 पे सौराब नईम शेख और ये रजिया नौशाद सदस्य है दोनों। ये दोनों ने इधर पे अच्छा उर्फ नौशाद, ये लोग 20 से 25 झोपड़े अनलीगल इधर बांध काम किए। हम लोग इसके बारे में अर्जी किए, मोहल्ले के भी कुछ लोग ये सब हमारे साथ में अर्जी पे जो साइन किए, ये लोग सबको मारते थे। हम लोग एक एफ आई आर भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किए। इनके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं, ग्राम पंचायत मामले को दबा रही है। हमने सब जगह अर्जी करने के बाद आज महाराष्ट्र सर्वे जो 164 का आज गवर्नमेंट का TLR था, अभी TLR होने के बाद में अभी देखो क्या रिपोर्ट भेजते हैं आगे। इसके बाद में अपन इन लोगों को हर एक चीज़ मामला दबाने को पूरा ग्राम पंचायत सहयोग करती है। और ये जो सदस्य सौराब नईम शेख, उधर एक सरकारी बोरिंग थी, सरकारी बोरिंग उखाड़ के उसको हैंडपाइप पे शौचालय के अंदर फेंक दिया। हम लोग पानी के लिए बहुत तकलीफ हुआ, बाद में बोलता पानी जाओ उधर शौचालय के अंदर से मारो। अभी हैंडपाइप आप उधर देखे, हैंडपाइप ऐसी पड़ी, इधर कोई साफ सफाई नहीं होती है। हम लोग सदस्य के ऊपर आवाज़ उठाए, ये बोलते जो तुम्हारी झोपड़पट्टी हम वो भी तोड़वा देंगे। हमारा झोपड़पट्टी 95 से है और ये जो दंगाग्रस्त के अंदर अलर्ट हुई है, ये सब 95 के पहले का। इनका जो भी इधर सर्वे पे सर्वे नंबर 164 पे 3-4 महीने के अंदर का है, हमने सब जगह फोटो लगा के अर्जी किया है। एक क्रिमिनल लोग है, इनका रिकॉर्ड भी पुराना बहुत गंदा है। अभी भी हम लोगों को इधर पे रहना सुरक्षित एकदम पूरा बराबर नहीं है। हम लोग हर पुलिस स्टेशन में जब जब हमारे साथ जो भी हादसा होता है जाके शिकायत करते, NC दर्ज करते, और क्या कार्रवाई हो रही अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग कोई भी बड़ी घटना घटा सकते हैं इधर। अच्छा, जो जमीन का मैटर है, यहाँ पे पुलिस वाले लोग का मानना है कि वहाँ पे कुछ पुलिस की भी जगह है। हाँ, पुलिस की तो जमीन है, उस पर कितनी जगह उनकी है, कितनी सरकारी जमीन है वो सर्वे नंबर पे उधर पे दिया है। उधर पुलिस की भी जो जमीन है, सदस्य लोगों की नज़र उसके ऊपर भी है। ये सब अपना अपना वार्ड उधर बांट के बैठे, तुम इधर मैं कब्जा करता उधर तुम। तो भी आपकी मांगनी क्या है, मतलब आप क्या? हमारी मांगनी है जो सरकारी जमीन पे सदस्य होके कैसा कब्जा कर रहे, सदस्य को राइट है क्या सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करने का? इनको राइट नहीं है उधर, ये सदस्य लोग उनको बटा लगा के झोपड़पट्टी के घर नंबर से बटा लगा के न्यू घर पट्टी भरते। अब ये सामने का मकान है, आंगनवाड़ी के बाजू में सौराब नईम शेख ने 3 घर पट्टी नहीं भरा है, और रजिया नौशाद ने भी ये अपने सब बच्चों लोगों के नाम पे 3 घर पट्टी। ग्राम पंचायत कैसा इशू किए घर पट्टी इनको? आपने इसकी मुलाकात कार्रवाई होना चाहिए, हमने अर्जी दिया। ये सारा मामला है ना, माइती अधिकार तक ये लोग हमारा दबा के बैठते, ज़्यादा पूछताछ हम लोग करने जाते तो लोग हमको उधर गाली गलौज करते। साइकिल से बच्चे लोग पानी लेके आते हैं, गिर जाते हैं,
रोड नहीं सही है, गटर नहीं सही है, पानी में ही है, पानी कहाँ है, गटर कहाँ है, रास्ते कहाँ है। प्रॉब्लम तो है ही है भाई, जब कोई यहाँ का अगर हम पंचायत है कुल है कुछ करने ही वाले नहीं है, है? सदस्य हमारे मोहल्ले भाई यही दो जन है, अच्छन भाई है, सुभाष भाई है। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई सुनवाई। आप अगर कोई समस्या को लेके जाते हैं तो किस तरह के जवाब देते हो लोग आपको? समस्या लेके जाते हैं, बुलाते हैं मीटिंग में कि भाई अगले मई से पानी चालू हो जाएगा, अब पानी चालू होगा, गटर बन जाएगा, कुछ तो नहीं। कितने सालों से इस सभी समस्या को झेल रहे आप? साल तो जमाने और यही जमाने, इतने दिन से कुछ तो नहीं हुआ। क्या आज भी नगर में इस तरह अवैध रूप से सरकारी जगह पर कब्जा करने वाले इन दोनों दबंगों के ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? भिवंडी के फार्मेस्टिक की संस्था फार्मेस्टिक वेलफेयर फोरम ने विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर शहर के सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम स्वागत भाषण जाकिर मोमिन ने किया। उसके बाद उपस्थित मेम्बरों का फार्मेस्टिक शपथ दिलाई गई और उसके बाद विभिन्न बीमारियों के बारे में रोकथाम उपचार की जानकारी दी गई, जिसमें दिल संबंधी बीमारी और उनके रोकथाम के लिए खान अफसर शमीम ने कैंसर रोग की बीमारी के लिए और उपचार के बारे में खालिद कुरैशी ने जानकारी दी। इस अवसर पर भिवंडी शहर में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जैसे कि इंदिरा गांधी के पूर्व मेडिकल प्रमुख डॉक्टर नितिन मुकासी, विनोद गुप्ता और प्रमुख सालकर डॉक्टर इमरान खान को सॉल मेमोरेंडम देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में शोएब फारूक अंसारी सभी को धन्यवाद दिए। कार्यक्रम का संचालन इकबाल अहमद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रियाज आजमी, अब्दुल हई खान, भरत बारोट, रफीक अंसारी, महताब अंसारी, शकील अंसारी, फुरखान शेख खान, अफसर शेख शोएब, इन सभी ने इस मेडिकल कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस मेडिकल कैंप का एक दृश्य। आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद एम फार्मासिस्ट कम्युनिटी मेडिको फील्ड को मोटिवेट करना है। साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि हमारे समाज में, हमारे तालुका लेवल पे भिवंडी में खासतौर से जो एनजीओस, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, हम उनको भी अपने साथ जोड़ें। हम उनका भी यहाँ सम्मान और इस्तकबाल करते हैं ताकि वो हमारे साथ मिलजुल कर इस हेल्थ सेक्टर को मजीद जिला दे सकें, इसको रोशन। हमारा मरीज या वो ऐसा शख्स जो परेशान हाल है, डॉक्टर काउंसलिंग करें, उनकी रहनुमाई करें। डॉक्टर सजा अपना काम करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीढ़ी, हमारी एक पीढ़ी, हमारी एक कम्युनिटी एक ऐसी है जो शुरुआती फेज में उनको रोक सकती है। साथियों, बहुत ही खुशी का मुकाम है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, डॉट्स टीबी के लिए हमारा फार्मास कम्युनिटी जो भिवंडी लेवल पे हम लोग 43 सेंटर्स चला रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली। उसके लिए मैं डॉक्टर सोटे आईजीएम विद्या मैडम को बहुत शुक्रवार आभारी हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि आज जब हमारे फार्मेसी साथी यहाँ से उठ के जाएँ तो एक मकसद लेके जाएँ कि हम न सिर्फ अपने प्रोफेशन को एक प्रॉफिटेबल की बात नहीं, उसको एक नए मकसद के साथ में अंजाम दें। तो साथियों, मैं अपने इस नेत भाई साहब के साथ अपने इस दो शब्द का इख्तिताम करता हूँ और बाकायदा इस प्रोग्राम के आगाज का ऐलान करता हूँ कि आज ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, आज हम यहाँ पे नेक मकसद लेके उठे और कोई स्वागत स्कीम छुपा नहीं चलेगा, इससे यह फायदा होगा। दूसरा, क्या क्या ऑर्डर दिया है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि माय ऑर्डर्स में आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। यहाँ आपके खाने के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रिश्ते हैं, भिवंडी के बहुत सारे हैं, और इससे आपका टाइम आपका कॉल आए तो ही आप ऑर्डर दे सकते हैं, या आपको कॉल किए तो कभी कोई कॉल भी नहीं लगता क्योंकि एंगेज रहते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के बस एंगेज ही रहते हैं। तो इससे फायदा होगा कि आपका टाइम सेव होगा और ये रजिस्टर करने में ईजी है और ये यूज करने में भी बहुत ईजी है। सर, आपको मैं पहले वो दिखा देता हूँ। आपको समझ में आएगा कि कौन सा आइटम किसके पास है, जो कि आप घर की गैस वगैरह यूज करते थे तो वो
उसके नीचे ग्रीन दिखा रहा है, तो ग्रीन दिखा रहा है तो आपको इसमें स्टॉक